गुड मॉर्निंग सेवेंथ स्टैंडर्ड. टुडे वी स्टार्ट द फिफ्थ लेसन, द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज्य. नाउ हाउ द शिवाजी महाराज फाउंड द स्वराज्य. नाउ सी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी एंड अपोज मेकिंग द पर्सनैलिटी इमर्ज इन द महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज ही इस्टैब्लिश स्वराज्य बाय चैलेंजिंग द अनजस्ट रूलिंग पावर हियर. मीन्स जो अनजस्टिज रूलिंग पावर था ना, अनजस्टिज रूलिंग पावर, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए स्वराज्य का इस्टेब्लिश किया था. शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न एट द शिवनेरी फोर्ट नियर द जुन्नर इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट. शिवाजी महाराज बॉर्न इन द शिवनेरी फोर्ट नियर द जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. मतलब शिवनेरी फोर्ट था ना जुन्नर में, उधर उनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था. ऑन द डे ऑफ फाल्गुन विद्या तृतीया इन द शका ईयर 1551, दैट इज ऑन द 19 फेब्रुआरी 1630. मतलब 19 फेब्रुआरी 1630 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्वराज्य. नाउ शाहजी राजे द फादर ऑफ द शिवाजी महाराज वॉज द प्री एमिनेंट सरदार इन द डेक्कन. द मुगल हैड लॉन्च अ कैंपेनिंग टू द कॉन्क्वेयर द निजामशाही किंगडम. मतलब शाहजी राजे ये शिवाजी महाराज के जो फादर थे, वो प्री एमिनेंट सरदार इन डेक्कन, मतलब सरदार के वो मतलब डेक्कन के वो एक सरदार थे. द मुगल हैड लॉन्च अ कैंपेनिंग टू कॉन्क्वेयर द निजामशाही किंगडम. मतलब मुगलों ने निजामशाही किंगडम को कॉन्क्वेयर करने का कैंपेनिंग चालू किया था. द आदिल शाह ऑफ द बीजापुर अलाय विद द मुगल इन दिस कैंपेनिंग. मतलब वो आदिल शाह ऑफ द बीजापुर अलाय इन द मुगल इन दिस कैंपेनिंग. शाहजी राजे डिड नॉट विश द मुगल टू गेट एंट्री इन टू द साउथ. मतलब शाहजी राजे को मुगलों को साउथ में एंट्री देने का उनके मन में नहीं था. सो ही ट्राई टू सेव द निजामशाही बाय ऑफरिंग द स्टीप रेजिस्टेंस टू देम मुगल्स, बट कुड नॉट विस्टैंड द कंबाइंड माइट ऑफ द मुगल एंड आदिलशाही. मतलब आदिलशाही और मुगलों को निजामशाही ज़्यादा देर क्या नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी, क्योंकि जो मुगल पावर था वो क्या हुआ होता था, ज़्यादा था, और जो उनको आदिलशाही का भी क्या मिला था, सपोर्ट मिला था. द निजामशाही वॉज डिपेक्टेड एंड केम टू एंड एट 1636. और इसके कारण वो जो मुगल शाही थी ना, वो क्या हुई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, एंड कमज़ोर पड़ के वो हार गई थी इन 1636. आफ्टर द निजामशाही वॉज विप आउट, शाहजी राजे बिकम द सरदार ऑफ द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. और बाद में जब निजामशाही पूरा विप आउट हो गई, शाहजी राजे बिकम द सरदार ऑफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर. मतलब बीजापुर के जो आदिल शाह सरदार थे, मतलब वो सरदार बन गए आदिल शाह के कोर्ट के बीजापुर में. द रीजन कंप्रेसिंग पुणे सूपे इंदापुर एंड साकन पारगानाज लोकेटेड बिटवीन द भीमा एंड नीरा रिवर वॉज वेस्टेड इन द शाहजी राजे एज द जहांगीर. मतलब जो बीजापुर का आदिलशाही था, उन्होंने पुणे सूपे इंदापुर चाकन पारगानाज लोक ये सब जो भीमा और नीरा नदी के जो नियर का जो पार्ट था, वो सब जहांगीर में शाहजी राजे को दे दिया. दिस वॉज कंटिन्यू बाय द आदिल शाह एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड द जहांगीर ऑफ बेंगलुरु एंड नेबरिंग एरियाज इन कर्नाटका टू शाहजी राजे. और शाहजी राजे को उन्होंने बेंगलुरु के और कर्नाटका का नेबरिंग पार्ट भी क्या किया था, जहांगीर में दिया था. जहांगीरी और जहांगीर मीन्स दैट राइट टू एन्जॉय द रिवेन्यू ऑफ द रीजन. द सरदार इन द सर्विस ऑफ रूलर यूज टू गेट द रिवेन्यू ऑफ द रीजन एज इनकम इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलरीज डायरेक्टली. मतलब उनको सैलरी नहीं मिलती थी, तो उनको ये जहांगीर मिलते थे, जहांगीरी मिलती थी, एंड दे गेट द रिवेन्यू फ्रॉम देयर. मतलब वो क्या करते थे, जो भी खेती करते थे लोग, उनके ऊपर वो उनका रिवेन्यू वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे. द रीजन वॉज चूजन इन द सच अवे दैट रिवेन्यू वुड बी इक्वल टू द सैलरी. और वो जो रिवेन्यू था वो इक्वल टू सैलरी होता था. शाहजी राजे वॉज द वैलेंट करेजियस इंटेलिजेंस एंड ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट. मतलब शाहजी राजे
बहुत इंटेलिजेंट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे. ही वॉज एन एक्सलेंट आर्चर, मतलब वो धनुर्धारी थे. ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन यूजिंग द स्वॉर्ड पट्टा एंड स्पेयर, मतलब वो दान पट्टा चलाने में भी बहुत तरबेज थे. नाउ ही लव ही सब्जेक्ट, ही हैड ओन मेनी रीजन इन महाराष्ट्र, मतलब उन्होंने बहुत सारे जगह पर उन्होंने क्या किया था, राज्य किया था और वो जीत गए थे. वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु ऑल्सो, महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु ये प्लेस में उन्होंने अपना जहांगीर बनाया था. नाउ साउथ इंडिया वॉज इन द एव ऑफ हिम वाइल शिवाजी एंड जीजाबाई वेयर एट बेंगलुरु. ही हैड अरेंज फॉर द प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट एजुकेशन टू शिवाजी सो एज एनेबल हिम टू बिकम द किंग. ही हिमसेल्फ एस्प्राइज टू इस्टेब्लिश स्वराज्य बाय आउटस्टैंडिंग द पावर ऑफ फॉरेन पीपल. दैट इज वाई ही इज नोन एज अ स्वराज्य विजनरी, मतलब उनको वो लगा था. ही हैड अरेंज फॉर द प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट एजुकेशन टू शिवाजी सो एज टू एनेबल हिम टू बिकम द किंग, मतलब उनको है ना शिवाजी महाराज को एक किंग बनाना था. इस हिसाब से उनको क्या कर रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे. ही हिमसेल एस्पायर टू इस्टेब्लिश स्वराज्य बाय आउटस्टैंडिंग पावर ऑफ फॉरेन पीपल, मतलब उनको भी अपना खुद का स्वराज्य बनाना था, ना कि बाहर से जो लोग आए उनका. दैट इज़ वाई ही नोन एज अ स्वराज्य विजनरी, मतलब इसके कारण ही सबसे पहले स्वराज्य का जो मतलब स्वराज्य की स्थापना करना ये किसके मन में आया था, शाहजी राजे. ही सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई फ्रॉम बेंगलुरु टू पुणे विथ लॉयल एंड कमिटेड एसोसिएट, मतलब उनके जो लॉयल पीपल्स है उनके साथ उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज और जीजाबाई को क्या किया, भेज दिया. नाउ वीर माता जीजाबाई. जीजाबाई वॉज द डॉटर ऑफ द ग्रेट सरदार लखोजी राजे जादव ऑफ सिंधखेदराजा इन द बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये लखोजी राजे जो थे उनकी एक लड़की थी जीजाबाई. At the young age, he had received the military training as well as education in the various subjects. उनको बहुत young age में ही military training और various subject का education मिला. She helped and encouraged the Shahaji Maharaj to release his dream of establish Swaraj. मतलब वो जो स्वराज बनाने का जो dream था शाहजी राजे का वो पूरा करना चाहते थे. She was an competent and visionary political expert. मतलब वो बहुत ही अच्छी तरह से एक पॉलिटिकल विजन रखने वाली एक है ना एक पॉलिटिकल लीडर थी. शी कॉन्स्टेंटली गाइड द शिवाजी इन ही द मिशन ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज, मतलब शिवाजी महाराज के जो भी स्वराज्य इस्टेब्लिश करने का जो ये था मतलब उनके जो भी ट्राई होते थे तो उन्होंने उसमें उनका क्या किया था, हेल्प किया था. एट द टाइम She undertook the task of the giving the verdict for resolving the problems of the people. She was very particular about the giving excellent education to Shivaji Maharaj. मतलब जब भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व मतलब आते थे तो वो उसको क्या करते थे, जीजाबाई सॉल्व करते थे. And she gave so much education to Shivaji Maharaj also. She instilled in him values like modesty, truthfulness and ऑरिट्री विगिलेंस एंड करेज एंड फेयरलेसनेस, मतलब उन्होंने शिवाजी महाराज को सच्चा और मतलब अपने बात पे एकदम ये और करेजियस ऐसे है ना उन्होंने क्या किया था, ये सब वैल्यूज़ उनमें डाले थे. शी सॉ दैट ही वॉज द ट्रेन इन हीज यूजेस ऑफ द वेपन्स एंड इंस्पायर्ड इन हिम, मतलब वो उनको वेपन्स यूज करने में भी क्या करते थे, इंस्पायर करते थे. The will be win and dream of the Swaraj. उसके कारण वो शिवाजी महाराज का जो एक ड्रीम था स्वराज्य इस्टेब्लिश करने का वो पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको सपोर्ट किया था. शिवाजीज कैंपेनिंग एंड एसोसिएट. नाउ शिवाजी महाराज स्टार्टेड द वर्क ऑफ द फाउंडिंग द स्वराज इन द मावर रीजन, मतलब मावर रीजन में उन्होंने अपना स्वराज्य इस्टेब्लिश करने का चालू किया. द मावर टेनर इज अ फुल ऑफ द हिल एंड वैली इन एंड इट नॉट इजी एसेबल. शिवाजी राजे मेड अस यूज दिस जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मावर वेरी स्किलफुली फॉर द पर्पज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, मतलब उन्होंने मावर रीजन फाउंडेशन स्वराज्य फाउंडेशन करने
के लिए एक अच्छा प्लेस है, ये इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर देता है। ही क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ ट्रूथ एंड अफेक्शन इन हिज माइंड ऑफ पीपल, मतलब उन्होंने क्रिएटेड फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, मतलब लोगों के मन में उन्होंने एक है ना फीलिंग ट्रस्ट का, ये मतलब विश्वास जगाया था कि वी इस्टेब्लिश आवर ओन स्वराज्य, मतलब हम लोग अपना खुद का स्वराज्य निर्माण कर सकते, ऐसा उन्होंने मन में उन लोगों के विचार प्रकट किए थे। मैनी कैंपेनिंग एंड एसोसिएट ज्वाइन हिम इन हिज वर्क फाउंडेशन द स्वराज, मतलब बहुत सारे लोग उनके फाउंडेशन ऑफ स्वराज में क्या हुए, हिस्सा लिए। नाउ अमोंग देम वेयर द यासाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुडगल, नारेकर, देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कोंडालकर, जीवा महाल, तानाजी मालुसरे, कानोजी जेंदे जेदे, बाजीप्रभु देशपांडे एंड दादाजी नारासप्रभु देशपांडे, मतलब ये सब लोग उनके जो कैंपेनिंग था इस्टेब्लिशिंग स्वराज उसमें क्या हुए थे, सब लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसोसिएट द शिवाजी महाराज अंडरटूक द कॉज ऑफ द स्वराज्य, एंड इनके कारण ही उन्होंने स्वराज्य इस्टेब्लिश करने का ठान लिया था। नाउ रॉयल सील, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शिवाजी महाराज ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज क्लियरली एक्सप्रेस इन हिज रॉयल सील, द फॉलोइंग संस्कृत लाइन्स आर इंस्क्राइब ऑन दिस रॉयल सील, इसको ही राज मुद्रा कहते हैं। प्रति पचंद्र लेवख वर्धिष्ण विश्ववंदिता सहस्नो शिवस्व मुद्रा भद्राय राजते, ये इसका है ना मतलब ये संस्कृत में लिखा था। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, नाउ सी दिस सील इज विल दिस सील विल ग्रो इन द स्प्लेंडरस लाइक अ न्यू मून, दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, द मीनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑन द सील इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम मेनी एंगल्स, थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन महाराज हैज एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू वर्ड हिज फादर, हिज कॉन्फिडेंट दैट स्वराज्य वुड एक्सपांड कंटिन्यूसली, ही हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पेक्ट दैट सील दैट इज द स्वराज कमांडेड फॉर ऑल, हिज कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड द सर्टेनिटी ऑफ द रूलिंग ओवर हिज लैंड इंडिपेंडेंटली, ही इज अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ओवर द इंटायर कंसेप्ट ऑफ द स्वराज, मतलब वो उन्होंने क्या किया था, जो भी वेलफेयर है उसके बारे में उसके ऊपर लिखा था, मतलब ये भी हमारा जो वेलफेयर है वो हम लोग दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, तो हम लोग वो खुद का क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली वो रूल करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसके ऊपर अपना राज मुद्रा चालू किया था, मतलब उन्होंने अपना जो राज मुद्रा का जो भी है ना वो उन्होंने अपने कॉइन्स जो भी उन्होंने कॉइन्स बनाए थे और जो इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट होते थे उसके ऊपर ये सील लगता था, ताकि वो हमारे मतलब हमारे खुद का एक स्वराज्य का एक बोलते हैं ना वो लोगो, जैसे हमारे इंडिया में कैसे रुपए पैसे के ऊपर एक लोगो रहते हैं, वैसे उन्होंने खुद के स्वराज्य के लोगो बनाए थे। टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्वराज्य, द फोर्ट सिचुएटेड विद इन द जहांगीर ऑफ शिवाजी महाराज वेयर नॉट अंडर हिज कंट्रोल, मतलब जो भी फोर्ट थे वो शिवाजी महाराज के अंडर कंट्रोल में नहीं थे, बट वेयर द अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाह, मतलब वो आदिल शाही के कंट्रोल में थे। इन दोज डे फोर्ट वेयर ऑफ द स्पेशल सिग्निफिकेंस विद द फर्म होल्ड ओवर द फोर्ट, इट वॉज पॉसिबल टू कंट्रोल द सराउंडिंग एरिया, अगर हमने फोर्ट कब्जा किया तो वो आजू बाजू के एरिया को भी हम लोग क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। इफ वन हैड फोर्ट वन रूल दैट लैंड, मतलब जिसका भी ये फोर्ट है वो उसके ऊपर क्या कर सकता था, राज्य कर सकता था। देयरफॉर शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू कॉन्क्वायर द फोर्ट दैट वेयर विद इन हिज ओन जहांगीर, मतलब उनके जहांगीर में जितने भी फोर्ट से वो कब्जा करने चाहते थे। सच एन अटेम्प्ट टू द कैप्चर द फोर्ट्स अमाउंटेड टू चैलेंजिंग द आदिल शाही पावर, ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ तोरना, मुरुमदेव, कोंडाना एंड पुरंदर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज, मतलब उन्होंने अपने जो भी जहांगीर में फोर्ट्स थे वो सब क्या किए, कैप्चर किया, उसमें तोरना, मुरुमदेव, कोंडाना एंड पुरंदर ये
फोर्ट से. ही रिपेयर्ड द फोर्ट मुरुमदेव एंड रीनेम द राजगढ़. मतलब उन्होंने जो मुरुमदेव था उसको नाम क्या दिया, राजगढ़ नाम दिया. राजगढ़ वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज्य. मतलब राजगढ़ ये क्या बन गया था, कैपिटल बन गया था स्वराज्य का. नाउ देयर वेयर द मोरेज ऑफ जावड़ीज दैट घोरपड़े ऑफ मुगल मुदल एंड द सावंत ऑफ द सावंतवाड़ी एंड अदर सरदार इन द आदिलशाही दे वेयर अपोज टू द कॉज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्वराज. मतलब जो मोरेज थे जावड़ी के, घोरपड़े थे मुडोल के और सावंत थे सावंतवाड़ी के, इनका आदिलशाही को धोखा देके स्वराज्य निर्माण करना ये इसके अपोज थे. इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग देम एंड अदर लाइक माइंडेड सरदार अंडर कंट्रोल फॉर द पर्पज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्वराज. नाउ कैपिटल ऑफ जावली. नाउ चंद्रराव मोरे ऑफ द जावड़ी इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट वेयर डिस्ट्रिक्ट वॉज द पावरफुल सरदार इन आदिलशाही. आदिलशाही के ये पावरफुल सरदार थे. ही अपोज द फाउंडेशन ऑफ स्वराज. मतलब उनका फाउंडेशन ऑफ स्वराज फाउंडेशन करने में को बहुत ही मतलब अपोज था, मतलब वो नहीं करना चाहते थे. ही वॉज अपोज फाउंडेशन ऑफ स्वराज. शिवाजी महाराज अटैक द जावड़ी एंड कैप्चर दैट रीजन इन 1656. ही इस्टेब्लिश हीज पोस्ट देयर देन ही ऑल्सो कैप्चर द राजगढ़ रायगढ़. मतलब उन्होंने रायगढ़ भी अपने कब्जे में कर दिया. ही अटेंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम द जावड़ी. मतलब उन्होंने जावड़ी से बहुत सारा वेल्थ लेके गए. आफ्टर हिज विक्ट्री हिज एक्टिविटीज इन कोकण इंक्रीज. मतलब उनका एक्टिविटी कोकण में इंक्रीज हो गया. ही बिल्ड प्रतापगढ़ फोर्ट इन द जावड़ी वैली. मतलब उन्होंने प्रतापगढ़ फोर्ट जावड़ी वैली में बनाया. इन हिज वे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द जावड़ी इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ इन ऑल रिस्पेक्ट. इसके कारण ही उनका जावड़ी में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गया था. आफ्टर हिज शिवाजी महाराज कैप्चर द कल्याण एंड भिवंडी ऑन द कोकण कोस्ट. मतलब कोकण कोस्ट के कल्याण और भिवंडी पोस्ट भी उन्होंने क्या किए थे, कैप्चर कर दिए. देयर ही केम इनटू द कांटेक्ट विद द सिद्धि पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश पावर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. शिवाजी महाराज रिलीज दैट इन अंडर द फाइट दिस पावर. इट वॉज नेसेसरी टू हैव द स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स. देयर फोर ही कॉन्क्वेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बिल्डिंग ऑफ द नेवी. मतलब उनको जब उनको पता चला कि जो सिद्धि पोर्तुगीज और ब्रिटिश है उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट से मतलब वेस्टर्न कोस्ट उनका है और जब हम लोग ये नेवी हमारा जो नेवी पावर बढ़ाएंगे तभी हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा. इसके कारण उन्होंने नेवी नेवल फोर्स भी बढ़ाने का क्या किया था, कोशिश किया था. डिफेक्ट ऑफ द अफजल खान. शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड कैप्चरिंग द फोर्ट इन द इन ईस्ट जहांगीर एंड सराउंडिंग एरिया इन द आदिलशाही टेरिटरी. मतलब वो शिवाजी महाराज ना उनके जितने भी जहांगीर थे उधर से जितने भी फोर्ट थे वो फोर्ट प्लस उनके आजू बाजू का एरिया कैप्चर करने लगे थे. ही हैड क्रश दैट अपोजिशन ऑफ द मोरेज ऑफ जावड़ी. मतलब ही हैड क्रश द अपोजिशन ऑफ मोरे ऑफ जावड़ी. ही वर्क फाउंडेशन ऑफ स्वराज हैड गैदर मोमेंटम ऑन द कोकण कोस्ट. ऑल दिस मैटर वे आर चैलेंजिंग टू द आदिलशाही. और बाद में जावड़ी के मोरे भी उनके साथ आए. देन ही हैड क्रश्ड द अपोजिशन ऑफ द मोरेज ऑफ जावड़ी. द वर्किंग ऑफ फाउंडेशन स्वराज हैड गैदर मोमेंटम ऑन द कोकण कोस्ट. ऑल दिस मैटर वे आर चैलेंजिंग टू आदिलशाही. मतलब ये आदिलशाही को चैलेंजिंग था. एट दैट टाइम द बदी सहिबा was the looking after the administration of the Adilshahi. He sent Afzal Khan, a powerful and experienced Adilshahi general, to crush the Shivaji. मतलब शिवाजी महाराज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वो अफजल खान को भेजा था. अफजल खान केम फ्रॉम द बीजापुर टू वाई. ही न्यू द वाई रीजन वेल. अ मीटिंग ऑफ शिवाजी महाराज एंड अफजल खान टूक द प्लेस ऑफ 10 नवंबर 1659 एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ नियर द वाई. मतलब ये दोनों वाई के प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ था ना वो फोर्ट, उसके पाया मतलब डाउन साइड में क्या हुए थे, मिले थे इन 1659 में. एट द मीटिंग ऑफ अफजल खान अटेम्प द ट्रीचरी इन रिलेशन. जो शिवाजी महाराज किल्ड अफजल खान ही रूट द आदिलशाही आर्मी. और वो मतलब वो है ना शिवाजी महाराज ने उस टाइम क्या किया था, अफजल खान को मार दिया था. नाउ शिवाजी महाराज पेड द कंपेंसेशन टू द सोल्जर हु वेयर वॉन्टेड इन द बैटल. मतलब वो
शिवाजी महाराज उनको सोल्जर्स को बहुत सारे मतलब है ना पैसे भी देते थे और उनका ख्याल भी रखते थे जिनको भी बैटल में क्या हुआ है हार्म हुआ है वैसे ही रिवॉर्ड दोज हु हैड फाउट द वेल, मतलब जो भी अच्छी तरह से फाइट करते थे उनको वो रिवॉर्ड देते थे। दो सोल्जर्स एंड ऑफिसर ऑफ द अफजल खान्स आर्मी हु फेल इन टू द हैंड्स ऑफ शिवाजी आर्मी वे आर गिवन द गुड ट्रीटमेंट, और जो भी अफजल खान के जो भी सैनिक थे सोल्जर्स थे उनको भी शिवाजी महाराज ने क्या किया था अच्छी तरह से उनको भी अच्छी तरह से संभाला था। और ऐसे नहीं कि वो एनिमीज थे इसके लिए उनको अलग ट्रीटमेंट, उनको खाना नहीं देना, ऐसा नहीं। शिवाजी महाराज ने उनका भी अच्छी तरह से ख्याल रखा था, इसलिए वो सब लोग क्या करते थे शिवाजी महाराज के ऊपर ज़्यादा फेथ करते थे। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ दिस मच वी आर गोइंग टू कंप्लीटेड टूडे, द रिमेनिंग पार्ट वी सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड योर होमवर्क इज़ देयर, यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन शाहजी राजे एंड द रॉयल सील एंड शिवाजी महाराज कैंपेनिंग। ओके, ये तीन आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।